फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको IUPAC का तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगा। उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन यह है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और 5 लोगों को शेयर करें, जिससे कि वे विद्यार्थी भी पढ़ लें जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए गाइस, आज हम IUPAC का तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आपको एल्केन की नेमिंग बता दी थी, आज मैं एल्कीन की नेमिंग बताऊंगा। देखिए एल्कीन, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है और IUPAC में इन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? नेमिंग करते समय इन जोड़ देते हैं, इन। जैसे सबसे पहले हम बात करें n बराबर, अगर 2 लगाते हैं, n बराबर 1 पर कोई कंपाउंड नहीं बनता, n बराबर 2 पर पहला कंपाउंड बनता है। n बराबर अगर हम 2 लगाते हैं तो फॉर्मूला बनता है C2H4। इसका मीन्स है C2H4, कार्बन कितने हमारे पास 2, कार्बन कार्बन। अब एल्कीन सीरीज है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और हमने इससे पहले बताया था कार्बन है टेट्रा बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड, एच अटैच एच एच एच। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटा इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या बनता था, एथ, और एथ में क्या जोड़ेंगे, इन, तो नेम क्या हो जाएगा, एथीन, दैट इज क्लियर। अगर हम दूसरे कंपाउंड की बात करें, अगर हम C3H6, कार्बन बेटा कितने हैं, सबसे पहले 3 कार्बन लगाओ। तुम्हें पता है सीरीज एल्कीन है और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पे लगा दो, सॉरी डबल बॉन्ड लगाते हैं, कहीं पे लगा दो। इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए कितने बॉन्ड की जरूरत, 2 की, इस पे 3 है, 1 की जरूरत है, इस पे कितने की, 3 की। जो बॉन्ड लगाए हैं इस जगह एच लगा देंगे और ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ दिस। अब देखिए इस कार्बन पर कितने एच हैं, 3, 3H है, और इस कार्बन पे कितना, 1 CH और डबल बॉन्ड CH2। बेटा इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो इससे ये पता चलता है कि इसमें एल्कीन सीरीज है और एल्कीन सीरीज में कार्बन कितनी है, 1, 2, 3, 3 कार्बन्स हैं और 3 कार्बन्स के लिए हम 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप, और प्रोप में क्या जोड़ेंगे, इन, टोटल नेम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, दैट इज क्लियर। अब यदि एन बराबर हम 4 यूज लगाते हैं, 4 यूज करते हैं तो फॉर्मूला बनेगा C4H8। अगर कार्बन कितने, 4 कार्बन से, आप 4 कार्बन से लगाइए, हमें ऑलरेडी पता है सीरीज एल्कीन चल रही है तो कार्बन कार्बन हैज डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। अब सपोज दैट मैंने बॉन्ड यहाँ यूज किया तो इस कार्बन को कितने की जरूरत है, 3, इसको 1, इसको 1, क्यों, क्योंकि कार्बन है टेट्रा बॉन्डेड, 1, 2, 3, 4, इसको कितने की, 3, एच अटैच कर दो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने बताया था इसको हम और फॉर्म में लिख सकते हैं, विदाउट बॉन्ड CH3 CH CH CH3। अगर किसी भी सीरीज में बीच में CH 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 आ जाए तो आप स्पेशल समझ लेना कि वह एल्कीन सीरीज होगी और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। बेटा इसमें कार्बन कितने यूज हुए, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन से क्या बनता है, ब्यूट, ब्यूट में क्या जोड़ेंगे, इन, क्या नेम बनेगा, ब्यूटीन। अभी मैं विदाउट नंबरिंग बता रहा हूँ, अभी थोड़ी नेक्स्ट पार्ट पर हम नंबरिंग से बताएंगे, अभी नॉर्मल बात चल रही है। अगर N5 यानी C5H10 होता है तो बेटा कार्बन कितनी है, 5, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन लिखो, राइट करो, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, तो कार्बन कार्बन हैज डबल बॉन्ड यूज, क्योंकि ये सीरीज कौन सी, एल्कीन, तो आप डबल बॉन्ड यूज कर लो कहीं पे भी, क्योंकि नंबरिंग तो दी नहीं है अभी। तो अब इस कार्बन को कितने की जरूरत है, 1 बॉन्ड की, इसो 3 बॉन्ड की, इसे 2 बॉन्ड, इसे 3 बॉन्ड, तो इन बॉन्डों की जगह हम क्या यूज करेंगे, एच।
हमें इसमें हाइड्रोजन कितने, 10 आप हाइड्रोजन गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन कितने हो गए, 10, ठीक है, यूज ऑफ 10 हाइड्रोजन्स। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, CH3, इसको क्या लिखेंगे, CH2। अब इस पे एक एच है तो क्या लिखेंगे, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। मैंने अभी बताया कहीं बीच में मिडिल में कहीं पर या तो HCH आ जाए या CH आता है, तो उसमें एल्किन सीरीज होगी। और क्या लिख सकते हैं हम इसे, CH3 CH CH CH3, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 विदाउट बॉन्ड CH CH और CH3। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5। 5 कार्बन से क्या बनता है, पेंट। और पेंट में क्या यूज करेंगे, इन, क्योंकि सीरीज कौन सी है, एल्कीन, और एल्कीन में इन लगाएंगे तो क्या नेमिंग हो गई, पेंटेन। इसी तरीके से हम नेमिंग और भी कर सकते हैं। तो आपको मैं जानता हूं कि आपकी समझ में एल्कीन सीरीज का नोमेनक्लेचर आ गया होगा कि एल्कीन सीरीज। अब तुमसे कोई ये पूछता है, अभी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि फॉर्मूला फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, मैं एल्काइन की बात करता हूं। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, कार्बन कार्बन हैज ट्रिपल बॉन्ड, और यूज ऑफ IUPAC सुफिक्स इन, क्या यूज करते हैं, सॉरी इन नहीं, आयंस, आयन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया इसमें भी सिंगल कार्बन पे कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता, मिनिमम 2 कार्बन्स यूज होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम C2H2, वाई, क्योंकि n बराबर 2 लगाएंगे, 2 2 2 या 4 4, में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा, C2। तो हमें ऑलरेडी पता है कार्बन कार्बन, 2 कार्बन से, और कार्बन कार्बन हैज ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, कार्बन हैज टेट्रा बॉन्ड, हम पहले ही बता चुके हैं कार्बन हैज टेट्रा बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन अटैच कर दो। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने यूज, 2 2 कार्बन से क्या होता है, एथ प्लस आयन, क्या नेमिंग हो गई, एथाइन, दैट इज क्लियर। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन 3 यूज करते हैं तो C3 हो जाएगा, 3 2 6 6, में से 2 माइनस हो गया तो कितना बचा, 4, ठीक है। तो कार्बन, सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन राइट करिए, कार्बन हमें ऑलरेडी पता है कि सीरीज कौन सी है, एल्कीन है, और कार्बन कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन की जरूरत है, और ये तो ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि 1 2 3 और एक ये 4, इसको 3 जोड़ दो, हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4, कितने, 4, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 कार्बन से क्या बनता है, 3 कार्बन से प्रोप में क्या जोड़ोगे, आयन, नेमिंग क्या हो गई, प्रोपाइन, दैट इज क्लियर। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन कितने यूज करें, 4 यूज करें, तो आपको पता है C4 4 2 8 8, में से 2 गया 6 बचा, तो C4H6। तो सबसे पहले राइट द कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन 4, हमें पता है ऑलरेडी कार्बन कार्बन हैज ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, तो इसे का इस, ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो गई, क्यों, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, और इसको H इसे हम क्या लिख सकते हैं, CH3 CC CH3। मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बीच में कहीं पे अगर सी आता है या CH CC आता है डबल, तो आप डायरेक्टली समझ लेंगे को वो सीरीज कौन सी होगी, एल्काइन होगी। तो बेटा इसमें हमने कार्बन कितनी यूज करे, 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या बनता है, ब्यूट बनता है, ब्यूट, और ब्यूट में क्या जोड़ेंगे, आयन, तो क्या नेमिंग हो गई, ब्यूटाइन, दैट इज क्लियर, क्या नेम बन गया, ब्यूटाइन। अब मैं 4 यानी C5 5 5 2 10 10, में से 2 गया तो कितना बचा, 8 बचा, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5 1 2 3 4 5।
कार्बन कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पे यूज़ कर लो, इसे बैलेंस करने के लिए तीन, इसे दो, इसे कितना तीन, तो अटैच कर दो हाइड्रोजन। हम चेक कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C CH3, और हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, CH3 CH2 CC CH3, कहीं पर CC आ गया तो आप ये समझ लेना वो एल्काइन सीरीज होगी, और कार्बन कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड यूज, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन से क्या बनता है, पेंट, और पेंट में क्या जोड़ेंगे, आयन, तो टोटल नेमिंग क्या हो गई, पेंट आयन, दैट इज़ क्लियर। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई, मैं जानता हूँ कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी, और आप इसी तरीके से आगे IUPAC नेमिंग बना सकते हो। देखिए मैंने आपको सबसे पहले एल्केन बताया, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, और कार्बन कार्बन है सिंगल बॉन्ड, IUPAC में जो सुफिक्स यूज करते हैं तो रूट्स कार्बन में क्या लगाते हैं, एन, तो इसलिए एल्क प्लस एन, तो क्या हो जाता है एल्केन। इसी तरीके से एल्काइन, एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है, और इसमें जब IUPAC का नॉमन क्लेचर करते हैं तो रूट्स कार्बन में क्या यूज करते हैं, ईन, तो इसीलिए एल्क प्लस ईन क्या हो जाता है, एल्कीन। इसी तरीके से एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है, और जब भी हम IUPAC में इस सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे तो हम पीछे लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, आयन जोड़ देते हैं, एल्क प्लस आयन, तो नेमिंग क्या हो जाती है, एल्काइन। अब मैं इसे, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, एल्केन CnH2n+2, एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन CnH2n, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। अब मैं बता रहा हूँ आपसे, क्लास में टीचर ने पूछा आपसे आकर कि आप हमें प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ, तो आप सबसे पहले प्रोपेन लिखो, प्रोपेन, प्रोपेन नोट करिए। अब प्रोप से क्या पता चला, प्रोप किस लिए लगाते हैं, जब कार्बन तीन होते हैं तो, यानी एन बराबर थ्री, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, थ्री हो गए। एन, एन से पता चला कि कार्बन कार्बन है सिंगल बॉन्ड, तो एल्केन सीरीज हो गई, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, तो आप इसमें एन बराबर थ्री लगा दीजिए, तो C3 2 × 3+2, तो फॉर्मूला क्या बना, C3 3 × 6+2 8, तो एल्केन का, सॉरी प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो गया, C3H8। आपकी समझ में आ गई होगी बात। इसी तरीके से टीचर ने दूसरा फार्मूला पूछा कि पेंटेन का फार्मूला बताओ, पेंटेन, तो आप सबसे पहले पेंट, पेंट कब लगाते हैं, जब कार्बन कितने होते हैं, फाइव, और एन कब लगाते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है, तो सीरीज कौन सी हो गई, एल्केन, एल्केन हो गई, तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, एन बराबर कितना लगाएंगे, फाइव, तो C5 2 × 5+2, तो क्या बना, C5 5 × 10 10+2, तो क्या फॉर्मूला हो गया, C5H12। इसी तरीके से आपसे पूछा गया कि भाई हेक्सेन का फॉर्मूला बताओ, तो आप लिखिए हेक्सेन, हेक्स, हेक्स से ये पता चला कार्बन कितने, सिक्स, एन से पता चला सीरीज कौन सी, एल्केन, और एल्केन सीरीज है तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, तो एन की जगह आप कितना लगाएंगे, सिक्स, तो 2 × 6+2, तो C6 6 × 12+2 14, तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H14। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम एल्केन का, एल्कीन का बना सकते हैं, देखिए आपसे प्रोपीन का फॉर्मूला पूछा गया, आप लिखिए सबसे पहले प्रोपीन, किसी ने पूछा आपसे प्रोपीन का फॉर्मूला बताओ, तो प्रोप से ये पता चला कार्बन कितने, थ्री,
इनसे पता चला कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो एल इन आ रहा है तो एल्किन सीरीज होगी, तो एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन, तो एन बराबर कितना लगाना है, थ्री, तो सी थ्री टू इंटू थ्री, फॉर्मूला क्या हो गया, सी थ्री एच सिक्स, दैट इज फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। इसी तरीके से आपसे फॉर्मूला पूछा गया कि भाई ऑक्टीन का फॉर्मूला बताओ, ऑक्टीन, तो ऑक्ट ऑक्ट से पता चला कार्बन कितनी है, एट, इन से पता चला कि कार्बन कार्बन हैज डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो सीरीज कौन सी होगी, एल्कीन, और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन, तो सी एन की जगह कितना पुट करोगे, एट, तो सी एट एच टू एट, तो सी एट एट टू जा सिक्सटीन, दैट इज फॉर्मूला ऑफ हेक्सीन। अब उस टीचर ने आपसे ये पूछा बेटा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताओ, तो वेरी इजी स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना, कार्बन कितने, एट, तो सबसे पहले आप कार्बन लिखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तुम्हें पता है सीरीज एल्कीन है तो कार्बन कार्बन है डबल बॉन्ड, आपकी इच्छा है वहाँ लगा दो, क्योंकि अभी काउंटिंग नहीं दी कौन से टू इन है फाइव इन है, कोई काउंटिंग नहीं है, तो आप इन सभी को बैलेंस करने के लिए कार्बन हैज टेट्रा बॉन्ड, सभी पे बॉन्ड लगाते चलो, इस पे एक की जरूरत है, इस पे एक दो थ्री, इन बॉन्डों पे आप हाइड्रोजन अटैच कर दो, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, इसी तरीके से आपसे फॉर्मूला पूछा गया कि प्रोपाइन का फॉर्मूला बताओ, तो सबसे पहले आप लिखिए प्रोपाइन, तो प्रोपाइन प्रोप, प्रोप से पता चला कार्बन कितने होंगे, तीन, आयन, आयन से पता चला कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और जहां ट्रिपल बॉन्ड आता है वहां सीरीज कौन सी होती है, एल्काइन, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला सी एन एस टू एन माइनस टू, तो एन बराबर कितना है, थ्री, आप थ्री लगाओ, सी थ्री टू थ्री माइनस टू, तो सी थ्री सिक्स फोर, तो सी थ्री एच फोर, दैट इज फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। अब टीचर ने पूछा बेटा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताओ, कोई दिक्कत नहीं, वन टू थ्री, तुम्हें पता है सीरीज कौन सी है, एल्काइन, क्योंकि कार्बन कार्बन हैज ट्रिपल बॉन्ड, तो आप जहां हो वहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, इस कार्बन को कितने की जरूरत है, एक हाइड्रोजन की, इसको थ्री, दैट इज क्लियर। अब आपसे पूछा गया कि पेंटाइन का फॉर्मूला बताओ, आप लिखिए पहले पेंटाइन, दैट इज क्लियर, पेंटाइन, तो पेंटाइन, तो पेंट से पता चला कार्बन कितने होंगे, फाइव्स, आयन से पता चला कि कार्बन कार्बन हैज ट्रिपल बॉन्ड, और जहां ट्रिपल बॉन्ड आता है वह सीरीज कौन सी होती है, एल्काइन, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एस टू एन माइनस टू, सी एन एस टू एन माइनस टू, एन बराबर फाइव पुट करो, फाइव टू मल्टीप्लाई फाइव माइनस टू, तो सी फाइव, फाइव टू जो टेन, टेन में से एट बचा, तो दैट इज फॉर्मूला ऑफ पेंटाइन। अब टीचर्स ने पूछा कि भाई इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सबसे पहले फाइव कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन, सॉरी फाइव चाहिए, और तुम्हें पता है सीरीज कौन सी है, एल्काइन, एल्काइन, तो ट्रिपल बॉन्ड, आप कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि नंबरिंग अभी नहीं, इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम नंबरिंग बताएंगे कहाँ से नंबरिंग करेंगे, वन टू, इस चार फोर बॉन्ड हो गए, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इसे कितने की जरूरत है, थ्री बॉन्ड, हाइड्रोजन अटैच कर दो, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है कि इसका मॉलिक्यूल्स फॉर्म में लिख दो, मॉलिक्यूल्स फॉर्म ये हो गई, वो पूछ रहा है विदाउट बॉन्डिंग फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी 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 एच थ्री, मैंने पहले ही बता चुका हूँ जहाँ ट्रिपल सी, देखो अगर किसी सीरीज में बीच में सी एच टू सी एच टू सी एच टू आता है, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल इसे समझ लो, नोट कर लिया करो साथ के साथ, अब इसमें मैं लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, अगर कोई भी सीरीज है किसी ने फॉर्मूला दे दिया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, अगर बीच में सी एच थ्री आता है तो आप समझ लेना यहाँ सीरीज होगी एल्केन। इसी तरीके से अगर बॉन्डिंग दे रहा है तो तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाएगा। अब देखो इसका तुम्हें, अभी तुम्हें पता लगाना है कि भाई
कैसे एल्केन है, तो कार्बन कितनी है 1 2 3 4 5, तो 1 5 कार्बन लिखो, ठीक है 1 2 3 4 5। इस पे एच कितने, 3 लगा दो, इस पे एच कितने, 2 पुट करो, इस पे कितने, 2 लगाओ, इस पे कितने, 2 लगाओ, इस पे कितना, 3 लगाओ। तो बेटा सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो सीरीज कौन सी हो गई, एल्केन, वेरी गुड, तो सीरीज एल्केन हो गई, पता चल गया। अगर बीच में अभी CH2 आता है तब भी एल्केन ही होगी, और देखिए कहीं पे CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, अगर बीच में कहीं CH2 CH2 आता है तो वहां सीरीज होगी एल्कीन, एल्कीन, बिकॉज रीजन, तुम देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ, कितना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 लगा दो, अटैच करो, इस पे कितने, 2 लगाओ, इस पे कितना है, 1 अटैच करो, इस पे कितना है, 1 अटैच करो, इस पे कितना है, 2 अटैच करो, इस पे कितना है, 3 अटैच करो। अब एक बात बताओ, ये कार्बन तो वैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि कार्बन है टेट्रा बॉन्डेड, तो यहाँ कितना है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसीलिए यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आ रहा है तो सीरीज कौन सी होगी, कौन सी होगी, एल्कीन, वेरी गुड। अब देखिए पॉइंट तीसरा, CH3 CH2 CC CH2 CH2 CH3, तो अगर मैंने तुम्हें पहले ही बताया अगर बीच में CH CC आता है तो सीरीज कौन सी होगी, एल्काइन, कौन सी होगी, एल्काइन। अब कैसे पता लगाएं, स्ट्रक्चर फॉर्मूले से पता लगाओ, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, अब इस कार्बन पे कितना अटैच है, 3, इस पे कितना है, 2, इस पे कोई नहीं, कुछ नहीं, इस पे कितना है, 2, इस पे कितना है, 2, इस पे कितना है, 3, तो H H H H H H अटैच कर दो। अब बेटा ये कार्बन पे टेट्रा बॉन्ड होना चाहिए, बॉन्ड नहीं है, अब यहाँ H भी नहीं है, तो H कहाँ से लगा गए, H हम लगा नहीं सकते अपनी तरफ से, तो यहाँ बॉन्ड लगा सकते हैं, तो कार्बन कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड, तो सीरीज कौन सी हुई, एल्काइन। आपकी समझ में आ गया होगा ये सभी पॉइंट। आप सभी से निवेदन है मेरा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो अच्छी कोचिंगों पर नहीं पढ़ पाते, उन तक इस वीडियो को आप फैलाओ, आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरा। जय हिंद, जय भारत।